स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5। तो देखिए, हमने 38 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 38 उस बीच में एक दो क्वेश्चन रह गए थे, वो बाद में देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं 39। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 15 AB प्लस 125 व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के 5। आपके पास क्या गिवन है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कब आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब हम पीछे वाले टर्म्स का क्या कर देंगे, होल क्यूब। तो वहीं से मिल जाएगा हमें ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। हमें बीच में साइन देखना है ए प्लस बी का, और क्यूब में हमें पीछे वाले टर्म्स का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने के भी है, बहुत सारे पीछे की है ना, 4-5 क्वेश्चन थे इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, और इन सबकी वैल्यूज हमेशा आपके पास कितनी आएगी, जीरो। हमेशा कितनी आएगी आपके पास इनकी वैल्यूज, जीरो। गिवन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के 5। हमें क्या करना है, क्यूब। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम क्या करते, स्केयर करते। यहाँ पे पावर कितनी है, 3, में हमें क्या करना है, बोथ साइड क्यूब करना है। तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो इसमें लिखो क्यूबिंग बोथ साइड्स ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 5 का क्यूब। सो यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस फॉर्मूला 3AB इंटू में ए प्लस में बी इज इक्वल टू माइनस 125। इसको ओपन कर दे, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस में बी। सो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3AB। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस 125। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस 3 इंटू 5 कितना आएगा, 15 AB, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, प्लस 125 इज इक्वल टू। मुझे फाइंड आउट करना था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 15 AB प्लस 125 की वैल्यूज कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, इसी तरह आपका है, देखिए 40 क्वेश्चन सेम आपका बिल्कुल इसी तरीके का है कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, ए क्यूब माइनस 27 B का क्यूब प्लस 45 AB प्लस 125 व्हेन A इज इक्वल टू 3B माइनस 5। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया A क्यूब, ये किसका हो गया, 3B का होल क्यूब। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, A क्यूब माइनस 3B का होल क्यूब। इट मीन्स क्या होना चाहिए, A माइनस 3B का होल क्यूब। हमारे पास क्या होना चाहिए, A माइनस 3B का होल क्यूब। तो इसको अगर मैं इस साइड ले आऊं कि वेरिएबल एक साइड हो जाए, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो इधर आएगा 3B इज इक्वल टू माइनस बी का क्यूब। तो इसी से हमें मिल रहा है कि हमारे पास कितना होना चाहिए, A माइनस 3B का होल क्यूब। और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, A माइनस 3B का होल क्यूब। तो देखिए इसमें भी हम क्या कर देंगे, A माइनस 3B का होल क्यूब कर देंगे। तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, A माइनस 3B का होल क्यूब और इज इक्वल टू आपके पास है माइनस 5 का होल क्यूब। तो इसको करो, यहाँ से कितना आएगा, ओपन करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB इंटू में फॉर्मूला A माइनस बी। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, ए क्यूब बी की वैल्यू कितनी है, 3B का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, बी की वैल्यू 3B इंटू में ए माइनस में बी 3B और इज इक्वल टू माइनस के 125। सो यहाँ से जगह ए क्यूब माइनस 3 3 9 3 27, बी का क्यूब माइनस 3 3 9 AB और ए माइनस 3B कितना गिवन है, माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस 125। सो ये हो गया ए क्यूब माइनस 27 BQ क्यूब प्लस के 45 AB और इज इक्वल, इधर लेके आएंगे इसको, प्लस 125 इज इक्वल टू 0। इनका आंसर हमेशा आपके पास कितना आएगा, जीरो। जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाली वैल्यू गिवन उसको क्यूब कर देंगे बोथ साइड और हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। अब देखिए उसके बाद आपका 41 और 43 बाद में करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं 42 क्वेश्चन। वो इजी है, आप पहले भी कर चुके उस क्वेश्चन को, फिर से मैं एक बार उसको रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे मैं आपको दे देती करने के लिए, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार सोल्व कर देती हूँ उस क्वेश्चन को। देखो 42 क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 5 एंड आपको गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है आपके पास, 10 गिवन है। Then prove that आपको प्रूव करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC कितना आना चाहिए आपके पास, 25 माइनस के 25। मीन्स आपको देखो क्या गिवन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC कितना आना चाहिए आपके पास, माइनस 25। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को देखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे हमारा,
कि ए क्यूब, ये देखेंगे हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इसमें आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ये हमारे पास है नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, और ये भी मिल जाएगा कि माइनस में कॉमन ले लूंगी तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी मेरे पास इवन है, और ये भी किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, वो कहाँ से आएगा। अब देखिए अगर मैं इसका स्केयर कर दू ए प्लस बी प्लस सी का हो उसके, तो मिल जाएगा मैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू, तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका स्केयर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले आंसर में गीवन है, हमारे पास क्या गीवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो क्या कर देंगे स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर देंगे, हमें किसकी वैल्यू मिलनी है, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की, तो बोथ साइड स्केयर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू में फाइव का स्केयर। अब a का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इज इक्वल टू 25, 25 का स्केयर 25, सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यहाँ से टू कॉमन है, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए इज इक्वल टू 25। अब इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 10, सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर टू इंटू 10 इज इक्वल टू 25, मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 25 माइनस 10 टू जा, इधर प्लस का दर्जा किसका हो जाएगा माइनस का, सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 5। आपके पास क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 5, हमें यही चाहिए था, ये हमारे पास आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला यहाँ से पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू कितना लाना हमें माइनस 25, सो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5, ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी की वैल्यू 5 माइनस कॉमन ए बी प्लस बी सी माइनस प्लस सी ए, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 5 माइनस कितना आएगा माइनस के 10, सो 5 × माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस 25। आपको इसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट करनी थी, माइनस 20। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसमें हमारा, फिर फॉर्मूले में देखेंगे कौन सी वैल्यूज हमारे पास है कौन सी नहीं है, फिर जो वैल्यूज नहीं है उसको ऊपर सॉल्यूशन क्वेश्चन से देखेंगे कि किसका स्केयर है क्यूब करने से हमारे पास ये वैल्यू मिल सकती है, फिर उसको सॉल्व करेंगे वैल्यू निकालेंगे उसमें पुट करेंगे तो आप आ जाएगा। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।